वेलकम टू स्पेशल एजुकेटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनरल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर DSSB की ये सीरीज़ जो हम चल रही है, यह उसका नेक्स्ट पार्ट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गन्ना के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से कौन से कारक कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा माने जाते हैं। ऑप्शन है हमारा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्धता, दूसरा ऑप्शन है मूल्य जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी को चीनी उत्पादकों द्वारा बेचा जाता है, तीसरा ऑप्शन है हमारा गन्ने से चीनी की रिकवरी, और फोर्थ ऑप्शन है वैकल्पिक फसलों और कृषि वस्तुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति से उत्पादकों की वापसी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर है चारों, मतलब जब उचित और पारिश्रमिक मूल्य निर्धारित करते हैं तो ये चारों विकल्प देखे जाते हैं, इसके बाद ही उचित और पारिश्रमिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल आधार स्वचालित रूप से अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित हो जाता है जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 15। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19, राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार, ये 19 बोलने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में आता है। तो यह अपने आप ही निलंबित हो जाता है स्वचालित रूप से जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं अनुच्छेद 358 के तहत, तो अनुच्छेद 19 स्वचालित रूप से निलंबित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट WHO हैज़ लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स, AMR, हेल्प, अवेयर या सिक्योर। तो इसमें आंसर है हमारा अवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत अम्ल की जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है। सिरका, एसिटिक अम्ल सही, और इमली, टार्ट्रिक अम्ल, चीटी का डंक, ऑक्सेलिक अम्ल और संतरा सिट्रिक अम्ल। इसमें संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली, टार्ट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल सिरका, ये सही है और यह इसमें गलत है, चीटी का डंक। तो चीटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है यह हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5। 2019 F1 कनेडियन ग्रांड प्री किसके द्वारा जीता गया था। ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया था, लुइस हैमिल्टन के द्वारा F1 कनेडियन ग्रांड प्री जीता गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पल्लवों के शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वो उर नामक ग्राम सभा कहलाती थी। नगरा व्यानगरम व्यापारियों के लिए एक संगठन का नाम था। तो इसमें हमारे दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा द्विपरमाणुकता नहीं है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या क्लोरीन। तो हमारा इसका आंसर है हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सैलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, सैलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट निम्नलिखित में से कौन सी नदी के साथ जुड़ा हुआ है। रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या सिंधु नदी। तो इसका आंसर है
चेनाब नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, कण प्रदूषण के लिए दुनिया की पहली उत्सर्जन व्यापार प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये गुजरात के द्वारा शुरू की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। महाद्वीप भारत देशांतरों के बीच फैला हुआ है, तो हमारे ऑप्शन है 58°7 और 87°25, 48°7 ईस्ट, 77°25 ईस्ट, 78°7 ई। तो हमारा इसका आंसर है 68°7 ई और 97°25 ई। ये इस देशांतरों के बीच में हमारा देश भारत फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्लांट स्पेसीज बिलोंग्स टू ब्लैंक आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इसमें एम्फीबियन बताने हैं कौन कौन से हैं। हमारे ऑप्शन है ब्रियोफेटा और गाइमनोस्पर्म और पेट्रियोडा और थैलोफेटा। तो इसका आंसर है ब्रियोफेटा, ब्रियोफेटा हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मराठी अखबार केसरी इसके संपादक या एडिटर कौन है? और हमारे ऑप्शन है MD रनाडे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो जहाँ भी मराठी अखबार केसरी के एडिटर का नाम आएगा तो हमारा आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शुष्क मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रकृति में आमतौर पर बनावट में रेतीले और नमकीन होती हैं शुष्क मिट्टी। मिट्टी के निचले क्षितिज पर कंकर अतिरिक्त होते हैं क्योंकि नीचे की ओर बढ़ती हुई कैल्शियम तृप्त पानी को घुसने से रोकती है। शुष्क मिट्टी लाल से भूरे रंग की होती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें ये गलत है कि यह उपजाऊ मिट्टी में धरण और नमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मेडोरा डांस फेस्टिवल उत्तरार्ध महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मेडोरा डांस फेस्टिवल उत्तरार्ध ये मनाया जाता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी होस्ट मतलब इनमें से कौन होस्ट करेगा विंटर ओलंपिक? ऑप्शन है हमारे कनाडा, रशिया, इटली या बेल्जियम। तो इटली 2026 में विंटर ओलंपिक होस्ट करेगा, तो हमारा इसका आंसर है इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत फिलिस्तीन संबंधों को मजबूत करने के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा विदेशी नागरिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान स्टार ऑफ जेरूसलम मेडल किसे दिया गया? ऑप्शन हमारे हैं मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, शेख मोहम्मद मुनीर अंसारी या रामनाथ कोविंद। तो हमारा इसका आंसर है शेख मोहम्मद मुनीर अंसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल डांस स्टेयर पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो हमारा इसमें नौटंकी उत्तर प्रदेश, जबकि नौटंकी महाराष्ट्र की होती है और उत्तर प्रदेश में कथक और केरला का कलियापट्टी सही है, महाराष्ट्र का लवानी और गुजरात का भावाई। तो हमारा इसका नौटंकी गलत है, तो हमारा आंसर होता है नौटंकी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल वाज बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया कौन सा प्रोविज़न है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है? ऑप्शन है हमारे
प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश बाई लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी या फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तुम्हारा इस खंड का आंसर है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया जिसे आंध्र में आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना गया। ऑप्शन है हमारे वंदे भारत आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, स्वरूप आंदोलन या सत्यनामी आंदोलन। तो हमारा इसका आंसर है वंदे मातरम आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। समेकित नीति का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा है। भारत को प्राप्त सभी राज्य सरकार के लिए कर्ज सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली से प्राप्ति। तो समेकित निधि होती है वह सभी राजस्व जो सरकार को प्राप्त होते हैं वो भी होती है, और उसके अंदर सरकार का कर्ज भी होता है, और सरकार द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसकी वसूली से जो प्राप्तियां होती हैं वो भी इसके समेकित निधि के अंदर आता है। तो हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।